together now. What's your vision? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू इंडियन टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, आप सभी का दोस्त उज्जवल सिंगल। और आज इस वीडियो में, या कहें तो इस क्लास 8 में, मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज को कैलकुलेट करना। और आपको समझाने के लिए देखिए, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है जहां पर मैंने लिए हैं टोटल मार्क्स, मार्क्स अचीव्ड और परसेंटेज। आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स के अंदर मैंने लिखा है 500, मार्क्स अचीव्ड 200 हैं और परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। अब गाइस, परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम देखते हैं कि कितने मार्क्स कितने में से आए हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कितना कितने में से, हाउ मच फ्रॉम टोटल। अब देखिए, जिस भी सेल में आप आंसर निकालना चाहते हैं अपनी परसेंटेज का, आपने सिंपल उस सेल में जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इज इक्वल्स टू के साइन को एंटर करना है। जब आप इस इक्वल्स टू के साइन को एंटर करेंगे, अब आपने उस सेल के ऊपर क्लिक करना है जिसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं। मींस कितने मार्क्स आए आपके, 200 नंबर आए हैं ना 500 में से, तो 200 आए हैं। आपको सिंपल जहां पे ये 200 लिखा है, आपको इस सेल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी इस सेल का एड्रेस होगा, जो कि क्या है, E14, वो ऑटोमेटिकली दोस्तों इज इक्वल्स टू के आगे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपने सिंपल डिवाइड के साइन को यहाँ पे एंटर करना है। डिवाइड का साइन लगाने के बाद अब आपने उस सेल के ऊपर क्लिक करना है जितने मार्क्स पॉसिबल थे, जितने आप स्कोर कर सकते थे। कितने थे दोस्तों? 500 थे। 500 के ऊपर आपने क्लिक करा। अब देखिए, जो 500 सेल का एड्रेस है, मींस E13, वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब आपने सिंपल अपने कीबोर्ड में जाके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए, आपको आपका रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पर आंसर आया है 0.4, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अब ये है 0.4 तो सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी परसेंटेज होती है वो तो दोस्तों 100 में रहती है, आपको पता ही होगा ये बात। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखिए, मैंने सिंपल यहाँ पे जिस भी सेल में आंसर निकाला, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आपको एक फॉर्मूला बार मिलता है। आप फॉर्मूला बार में जाके क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा और 100 लिखिएगा और एंटर प्रेस करिएगा। तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि कितने निकल के आ गई है, 40 दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गई है। डेट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो है 40%। अब आप कहेंगे कि इसके आगे तो परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ। सो गाइस, वो तो आप खुद भी लगा सकते हैं, आपको पता तो चलेगा ना कि कितनी परसेंटेज आ रही है, तो वो बात है। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। और देखिए, मैं फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला बार पे क्लिक करके इसको, जो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा है, तो मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई को हटा देता हूँ। अब हमारा आंसर यहाँ पे 0.4 हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब ऊपर की तरफ देखिए, दूसरा तरीका बता रहा हूँ परसेंटेज कैलकुलेट करने का। आपने डिवाइड करके इतना आंसर निकाल लिया, अब आप चाहते हैं इसको परसेंटेज में निकालना, मींस इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। तो आप फॉर्मूला बार का यूज़ ना करके एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ऊपर जनरल की एक ऑप्शन मिलता है, एक सेटिंग मिलती है। देखिए, अब जनरल के नीचे आपको दो सेटिंग मिलती हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिकली दो सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। एक है डॉलर का निशान इसके ऊपर बन रहा है, और एक आपका परसेंटेज का यहाँ पे आइकन बन रहा है, साइन बन रहा है। आपने सिंपल इस परसेंटेज के साइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो भी आपका आंसर था वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और परसेंटेज में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए पता चल गया कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है, 40% यहाँ पर आपको मिल गई। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई परेशानी या दिक्कत है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके, थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं दोबारा से। आपका हर डाउट, आपकी हर परेशानी क्लियर हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करा करिए। मुझे कुछ नहीं मिलता दोस्तों लाइक करने से, बस मुझे पता चल जाता है कि यार आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लाइक करा करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और शेयर करा करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जिससे कि दोस्तों वो भी एक्सेल का बेसिक कोर्स बिल्कुल फ्री में सीख सकें, जिसके लिए उन्हें मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं।
मैं बिल्कुल आपको पक्का बेसिक कोर्स सिखा दूंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। बस मेरी वीडियो को एंटर देखा करिए और जो जो बातें मैं आपसे कहता हूँ, जो जो मैं आपसे बोलता हूँ, उनको थोड़ा सा ध्यान से सुना करिए, ठीक। अकेले में जब हुआ करें ना, तभी वीडियो को देखा करिए, जिससे कि आपका माइंड बिल्कुल शांत रहे और आपको जो कुछ भी मैं सिखाऊं आप उसको सीख पाएं। और जब आप मेरी वीडियो से सीखते हैं ना, तो दोस्तों आप उस चीज़ को अपने अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में एक बार ज़रूर ट्राई करा करिए, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाए और आप एक्सेल का बेसिक कोर्स फ्री में सीख पाएं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस मुझे आपको यही सिखाना था कि आप कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में, और ये तो मैंने सिखाई दिया और साथ ही साथ आपको काफ़ी और भी चीज़ें बता दी। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, मैं आपसे मिलूंगा अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन टेक एजुकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।